दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 26,000 पद नोटिफिकेशन, उम्र में 4 साल की छूट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की योग्यता के बारे में भी आप सभी को बड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, लगभग 26,000 के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद खाली हैं। जल्दी दोस्तों इन्हें भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप सभी को ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है उसका फॉर्म वही बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने 12th पास कर रखा है। इसका पेपर दोस्तों ऑफलाइन होगा। OMR शीट पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसके OMR शीट पर गोलों को भरना होगा। आप सभी को दोस्तों ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर अभ्यर्थी उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन है 26,000 पदों का, वो अभी भी जारी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों जो छात्र हैं वो लगातार एज में छूट की मांग कर रहे हैं, और छात्रों का कहना है कि लगभग 4 साल की छूट सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 साल तो कोरोना जो महामारी थी उसकी वजह से छात्रों के वेस्ट हो गए। तो इस वजह से छात्रों का तर्क है कि उन्हें 4 साल की जो छूट है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मिलनी चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जो जनरल के कैंडिडेट हैं केवल और केवल 18 से 22 साल की जो एज वाले जो बच्चे हैं वह केवल कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें, SC ST के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें उम्र में 5-5 साल की छूट दी जाएगी। तो 18 वर्ष के अगर आप हो चुके हैं और आपकी उम्र 22 साल तक है और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। हालांकि छात्रों ने उम्र में छूट की भी दोस्तों यहां पर मांग की है। तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या उम्र में छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप कांस्टेबल भर्ती के बारे में कुछ भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।